अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कमिश्नर छोटे सिंह ने महिला बाल विकास विभाग के 5 परियोजना अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति न करने पर असंचयी प्रभाव से 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कमिश्नर ने परियोजना अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिवस का समय दिया है। कमिश्नर ने बताया कि बाल विकास परियोजना गंगेव क्रमांक 1 की प्रभारी परियोजना अधिकारी निर्मला मिश्रा, नई गढ़ी परियोजना की प्रभारी परियोजना अधिकारी रुचिका पांडे, बाल विकास परियोजना गंगेव 2 की परियोजना अधिकारी शंखधर त्रिपाठी, जवा परियोजना की परियोजना अधिकारी मालती पांडे, चितरंगी परियोजना क्रमांक 1 की प्रभारी परियोजना अधिकारी सरोज सोनावनी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियंत्रण तथा अधिनियम 1966 के नियम 16(1) का के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। कमिश्नर ने बताया कि बाल विकास परियोजना गंगेव क्रमांक 1 की प्रभारी परियोजना अधिकारी निर्मला मिश्रा ने लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 9 माह में केवल 28% ही लक्ष्य प्राप्त किया है। समग्र पोर्टल पर उनके द्वारा हितग्राहियों की एंट्री 56.18% ही की गई है। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत 40 प्रकरण लंबित हैं। इसी प्रकार प्रभारी परियोजना अधिकारी सरुचिका पांडे, शंखधर त्रिपाठी, मालती पांडे एवं सरोज सोनावनी द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।